हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में और इनकी जो टॉप होल्डिंग्स है एस ऑन 30 अप्रैल 2018, ताकि आपको भी पता चले कि इन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप के कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं और इनकी होल्डिंग देखकर आप भी अपना काफी अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अगर लोअर लेवल्स पे मिलते हैं ये स्टॉक तो काफी बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो इसी के लिए आज वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने निकाला है डिटेल्स, एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ फंड। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 8.4 बिलियन असेट्स ये मैनेज करते हैं, काफी बड़ा अमाउंट है। और ये इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल और मिड कैप के अंदर। इनका जो बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप एंड स्मॉल कैप का है। और इनकी जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको भी आइडिया आ सके कौन से स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इन्होंने किया है वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड के अंदर है, लगभग 7.87% की होल्डिंग है, लगभग इन्होंने बाय किया है 2013 में। तो इनका रिटर्न भी यहाँ पे साइड में दिया है, 57.73 का रिटर्न इनको अभी तक मिला है इस स्टॉक में। तो ये रिटर्न आप देख सकते हैं, मैं आपको खाली जो स्टॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने सेकेंड जो स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, 4.76% की होल्डिंग है। हॉकिंस कुकर लिमिटेड, ये भी काफी अच्छा चला है, लगभग काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एलेम्बिक लिमिटेड और पांचवा जो स्टॉक है दीसा इंडिया लिमिटेड, ये 2018 जनवरी में लिया है, लगभग 4.12% की होल्डिंग है। उसके बाद है LT फूड्स लिमिटेड, 4% की होल्डिंग इसमें भी है। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, उसके बाद है तनगमयल ज्वेलरी लिमिटेड, उसके बाद है हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फिर पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स में भी इनकी लगभग 3.56% की होल्डिंग है और लगभग इन्होंने 2016 में लिया है और रिटर्न काफी अच्छा इनको मिल रहा है इस स्टॉक में। उसके बाद है एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, आशाना हाउसिंग फाइनेंस, रिलैक्सो फुटवेयर, ओरियंट रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, कैम्बलिन फाइन साइंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, पिलानी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज कॉर्प लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, यूफिक बायोसाइंस लिमिटेड, UFO मूवीज इंडिया लिमिटेड, गरवारे वोल्ड्रोप्स लिमिटेड, फेरचेम स्पेशलिटी लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, गणेशा इकोस्पियर लिमिटेड, गैलेक्सी सरफेस लिमिटेड, राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इतने सारे स्टॉक्स इन्होंने ले रखे हैं और इनमें से काफी अच्छे भी स्टॉक्स आप देख सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, AU फाइनेंस हो गया, अवंती फीड्स हो गया। काफी मीन स्टॉक्स ऐसे भी है जो लोगों को पता है और जो दूसरे स्टॉक्स है लगभग लोगों को इतना पता नहीं है। तो इनकी होल्डिंग देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स इन्होंने रिसर्च करके इजीली अच्छे स्टॉक्स लिए हैं, ताकि हम भी इन पर रिसर्च करें हमारा और अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर रख दें। तो आज इसी के बारे में वीडियो बनाया है ताकि आपको भी स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में पता चले जो अच्छी हैं और म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने ले रखी है, ताकि आप भी अच्छे स्टॉक्स स्मॉल कैप मिड कैप के लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करें। तो आज इतना ही बताना था और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।